हेलो एवरीवन, भारतीय समाज नित्य परिवर्तनों से गुजरा है, जिससे सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक स्थितियों में हमने अलग अलग स्थितियों में अलग अलग वर्गों में कई स्तरों पर यहाँ पर स्थितियों में सुधारात्मक चीज़ें देखी, लेकिन फिर भी भारतीय समाज का एक ऐसा वर्ग लगातार रूढ़िवादिता से ग्रस्त रहा है। उसके कारण एक वर्ग को यहाँ पर समस्याओं का सामना करना पड़ा। हम बात कर रहे हैं भारतीय समाज की महिलाओं के संदर्भ में। देखा जाए तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार दिया गया है, लेकिन आज भी हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं समाज में ऐसे देखा गया है जो कि महिलाओं के गरिमापूर्ण जीवन के संदर्भ में यहाँ पर न्यायोचित नहीं है। हाल ही में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ऐसी ही स्थितियों से रूढ़िवादिता को भारतीय समाज से हटाने के लिए, महिलाओं के गरिमापूर्ण जीवन को यहाँ पर उनको प्रदान करने के लिए, या कह सकते हैं कि यहाँ पर जो अभी भी देखा जाए तो जो रूढ़िवादिता समाप्त व्याप्त है भारतीय समाज में, उसे दूर करने के संदर्भ में प्रयास किया जा रहा है। ये प्रयास यहाँ पर उनके लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हटाने के लेकर यहाँ पर प्रारंभ किया गया है। हाल ही में देखा जाए तो उन्होंने एक हैंडबुक यहाँ पर लॉन्च की है, जो कि भारतीय समाज में महिलाओं के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को लेकर के यहाँ पर समाप्त किया जाएगा। उसकी जगह पर कुछ नए और वैकल्पिक शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, जिसके माध्यम से समाज में यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनको यहाँ पर पुरुषों के समान ही यहाँ पर गरिमापूर्ण जीवन जीने के संदर्भ में यहाँ पर अधिकार जो है वो प्रदत्त किया जाए। तो आइए बात करते हैं कि किस तरीके के अधिकार यहाँ पर प्रदान किए गए हैं, क्या हैं ये शब्द, कैसे इन्हें हटाया जा रहा है, इसके संदर्भ में कौन से नए वैकल्पिक शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, और साथ ही साथ देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय समाज में रूढ़िवादिता की जो स्थिति है महिलाओं के संदर्भ में, वो मुद्दे क्या हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं किन शब्दों को लेकर और क्यों यहाँ पर हटाए जाने, किन प्रावधानों को यहाँ पर देखा जाए चर्चा का जो विषय बना है। कई ऐसे शब्द हैं, इनकी सूची भी अभी हम देखेंगे। प्रोस्टिट्यूट, छेड़खानी, हाउसवाइफ, जेंडर स्टीरियोटाइप से जुड़े करीब 43 शब्दों को हटाने के पीछे की कहानी हमें समझनी है। इसके संदर्भ में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने लैंगिक समानता बढ़ाने और महिलाओं के साथ न्यायिक क्षेत्र में भेदभाव को दूर करने के दृष्टिकोण से यह पहल की है। ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले और दलीलों में अब जेंडर स्टीरियोटाइप जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। कोर्ट का यह भी कहना है कि संविधान में सभी को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्रदान किया गया है, और इस संदर्भ में देखा जाए तो भारतीय समाज में जो महिलाएं हैं वो ना तो पुरुषों के अधीन हैं और ना ही उन्हें किसी के अधीन होने की जरूरत है। यह भी यहां पर कहा गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस तरीके का जो निर्णय लिया गया है भारतीय समाज में लैंगिक भेदभाव को खत्म करने में एक महत्वपूर्ण पहल के तौर पर देखा जा सकता है। देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक हाल ही में यहां पर बुधवार को हैंडबुक भी जारी की गई है, और इस हैंडबुक को यहां पर नाम दिया गया है कॉम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स। कोर्ट ने न्यायिक आदेशों और फैसलों में महिलाओं के प्रति जो रूढ़िवादी और गलत सोच दर्शाने वाली जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं उन शब्दों को यहाँ पर हटाया जाएगा, और कौन से नए वैकल्पिक शब्दों का उसकी जगह प्रयोग किया जाएगा वो कम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स के यहाँ पर हैंडबुक में उसका उल्लेख किया गया है। देखा जाए तो महिलाओं के पहनावे, उनके यौन संबंधों के इतिहास के आधार पर कई अवधारणाएं बना ली जाती हैं, और उसका प्रयोग यहाँ पर अलग अलग वर्गों में किसी भी महिला के संदर्भ में प्रयोग किया जाता रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को लेकर गरिमापूर्ण भाषा के उपयोग को लेकर कहा है कि रूढ़िवादी सोच को यहाँ पर हमें बदलना होगा, और ये एक अच्छी पहल है। देखा जाए तो इसके संदर्भ में एक कमेटी गठित की गई, और इस कमेटी ने ही यहाँ पर देखा जाए तो इस हैंडबुक को यहाँ पर तैयार करने में मदद की है। देखा जाए तो इस हैंडबुक को कलकत्ता हाईकोर्ट की जस्टिस मौसमी चटर्जी की अध्यक्षता वाली समिति ने यहाँ पर तैयार की है। इस समिति में देखा जाए तो रिटायर्ड जस्टिस प्रभा श्रीदेवन और जस्टिस गीता भी यहाँ पर आपको शामिल हैं। मित्तल और प्रोफेसर झूमा सेन भी यहाँ पर देखा जाए तो आपको इसमें शामिल हैं। प्रोफेसर सेन जो है फिलहाल कोलकाता में वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिडिकल साइंसेज में फैकल्टी मेंबर भी है। तो 5 सदस्य यहाँ पर हैं, उनको ध्यान रखिएगा जो इस कमेटी में यहाँ पर थी, और उसकी अध्यक्ष यहाँ पर देखा जस्टिस मौसमी चटर्जी की अध्यक्षता वाली समिति रही। देखा जाए तो इस हैंडबुक की जो प्रस्तावना है वो स्वयं यहाँ पर आपको CGI के द्वारा यहाँ पर लिखी गई है। ये 30 पेज की यहाँ पर एक हैंडबुक है, और इसकी प्रस्तावना CGI ने यहाँ पर स्वयं लिखी है, और साथ ही साथ यहाँ पर रूढ़िवादी सोच को समाप्त करने के दृष्टिकोण से इस हैंडबुक को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से शब्दों को हटाया जाएगा, कौन से नए शब्दों का इसमें प्रयोग किया जाएगा, और कौन से वैकल्पिक शब्द यहाँ पर अब होंगे। इसमें हम देख सकते हैं
देखिए यहाँ पर जो स्टीरियोटाइप सब, जो कहने का मतलब है जो अब तक प्रयोग होते आए हैं उन शब्दों का भी यहाँ पर उल्लेख है और किन नए शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा, अर्थात कौन से वैकल्पिक शब्द यहाँ पर उसकी जगह प्रयोग किए जाएंगे, ये उसकी सूची है। तो एक एक करके हम यहाँ पर उन शब्दों को सूची को मिलान कर लेते हैं। अब तक हम यहाँ पर जो शब्द प्रयोग करते थे छेड़खानी, उसकी जगह पर अब प्रयोग किया जाएगा सड़क पर यौन उत्पीड़न। इसी तरीके से कामकाजी महिला के संदर्भ में हम महिला शब्द का प्रयोग किया जाएगा। शारीरिक संबंध के शब्दों को हम यौन संबंध से यहां पर वैकल्पिक शब्द जो है उसकी जब प्रयोग करेंगे। अफेयर शब्द अब नहीं प्रयोग किया जाएगा, अफेयर शब्द को हटा करके उसकी जगह पर शादी के इतर रिश्ते के संदर्भ में हम इस शब्द का प्रयोग करेंगे। प्रोस्टिट्यूट और हुकर जैसे शब्दों को अब यहां पर हम नहीं प्रयोग करेंगे, इसकी जगह पर देखा जाए तो सेक्स वर्कर का शब्द प्रयोग किया जाएगा। अनवेड मदर यानी कि बिन ब्याही माँ जैसे शब्दों को समाप्त किया जा रहा है और उसी जगह पर सिर्फ माँ शब्द का यहां पर प्रयोग किया जाएगा। चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट शब्द को हटा करके तस्करी करके लाया गया बच्चा। बास्टर्ड यानी कि हरामी जो शब्द यहां पर प्रयोग किया जाता है उसकी जगह पर बिना विवाह किए गए दंपत्य से जन्मी संतान, ऐसा बच्चा जिसके माता पिता ने शादी ना की हो, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा। ईव टीजिंग जो लगातार आप शब्द सुनने को मिलते हैं, इसकी जगह पर अब यहां पर देखा जाए स्ट्रीट सेक्सुअल हैरेसमेंट शब्द का प्रयोग किया जाएगा। हाउसवाइफ की जगह पर होम मेकर शब्द प्रयोग होंगे। मिस्ट्रेस की जगह पर ऐसी महिला जिसके साथ किसी पुरुष ने विवाहेतर रोमांटिक या यौन संबंध बनाए हों उसको यहां पर प्रयोग करेंगे। जैविक सेक्स, जैविक पुरुष, जैविक महिला जैसे शब्दों की जगह पर जन्म के समय तय लिंग का यहां पर प्रयोग किया जाएगा। लड़की लड़के के रूप में जन्मा अर्थात जन्म के समय पुरुष या महिला। अच्छे गुण वाली या पवित्र महिला की जगह पर हम महिला शब्द का सिर्फ केवल प्रयोग करेंगे। व्यभिचारिणी जो शब्द प्रयोग करते आए थे उसको हटा करके अब उसके जगह पे शादी के इतर यौन संबंध रखने वाली महिला। इसी तरीके से प्रोवोकेटिव क्लोदिंग ड्रेस या भड़काऊ कपड़े की जगह पर हम सिर्फ क्लोदिंग या ड्रेस का ही प्रयोग करेंगे। एफीमेनेट जनिया की जनाना के जैसे शब्दों की जगह पर हम जेंडर न्यूट्रल शब्दों का प्रयोग करेंगे। वफादार पत्नी, अच्छी पत्नी, आज्ञाकारी पत्नी की जगह पर केवल पत्नी शब्द का प्रयोग किया जाएगा। इसी तरीके से भारतीय महिला या पश्चिमी महिला की जगह पर महिला और कॉन्क्यूबाइन या कीप जैसे शब्द की जगह पर ऐसी महिला जिसका शादी के इतर किसी पुरुष से शारीरिक संबंध हो और फगोट यानी समलिंगी की जगह पर व्यक्ति के यौन अभिविन्यास का सटीक वर्णन किया जाए जैसे कि समलैंगी या उभयलिंगी। तो ये ऐसे कुछ शब्द हैं जिनको हटाया जाएगा जो हम लगातार ऐसे स्टीरियोटाइप शब्दों का प्रयोग करते आए हैं। अब इन शब्दों का प्रयोग यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मना कर दिया गया है और इनकी जगह पर अब हम इन नए वैकल्पिक शब्दों का प्रयोग करते हुए देखेंगे। ये शब्द मूलतः देखा जाए तो वर्तमान समय में इनको प्रयोग करने का सबसे पहला चरण सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय और न्यायालय के संबंधित यहाँ पर प्रैक्टिस और केसेस के संदर्भ में किया जाएगा और धीरे धीरे इसका प्रयोग जो होता है समाज में किया जाए इस संदर्भ में इसे आगे बढ़ाया जाएगा। आइए यहाँ पर कुछ और ऐसी ही चीज़ों को समझ लें कि भारतीय समाज में जो रूढ़िवादिता की स्थिति है इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज डीवाई चंद्रचूड़ जी का क्या कहना है। देखा जाए तो यहाँ पर महिलाओं को लेकर जो रूढ़िवादी सोच है, वर्तमान समय की स्थितियों पर नजर डालें तो यहाँ पर इस हैंडबुक में कहा गया कि महिलाओं के गुणों के बारे में जो कुछ धारणाओं का जिक्र यहाँ पर किया गया है जिसे यहाँ पर समझना जरूरी है। जैसे कि कोर्ट ने यह बताया कि कई सारी ऐसी धारणाएं हैं जो कि गलत हैं जो महिलाओं के संदर्भ में बना ली जाती हैं। कहना है कि जो रूढ़िवादी सोच है, महिलाएं अत्यधिक भावुक हैं, अतार्किक होती हैं, निर्णय नहीं ले पाती हैं, ये एक रूढ़िवादी सोच है। ऐसा हर एक व्यक्ति सोचता है, ऐसा यहाँ पर अब एक जनमानस की एक सोच यहाँ पर डेवलप कर दी गई है। जबकि अगर वास्तविकता अगर हम देखें तो महिलाएँ यहाँ पर इससे कहीं ज़्यादा सशक्त दिखाई देती हैं। महिलाएँ किसी भी लिंग के संदर्भ, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला, दोनों के संदर्भ में अगर हम देखें, किसी इंसान को तर्कसंगत विचार क्षमता और निर्धारित या ये प्रभावित नहीं करती हैं, बल्कि रूढ़िवादी जो सोच है या अविवाहित महिलाएं अपने जीवन में महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले पाती हैं, ये असमर्थ होती हैं, ऐसे यहाँ पर सोच को भी हमें यहाँ पर समाप्त करना है। देखा जाए तो विवाह किसी भी व्यक्ति को निर्णय लेने की क्षमता पर कोई प्रभाव आपको दिखा डालता नहीं है। सोच, क्योंकि किसी भी चीज़ के जो निर्णय या डिसीजन क्षमता होती है वो व्यक्ति के सोच, व्यवहार, शिक्षा और उसके अन्य पर्यावरण स्थितियों पर यहाँ पर प्रभाव डालती है, ना कि यहाँ पर विवाह उसका एक कारक होता है। तो ये एक चीज़ यहाँ पर जो रूढ़िवादी सोच है वो भी यहाँ पर देखा जाए तो वास्तविकता से इतर दिखाई देती है। ऐसी ही कुछ अन्य चीज़ों पर भी यहाँ पर प्रकाश डाला गया है, जैसे कि
एक अन्य रूढ़िवादी एक सोच है। क्या सोच है? जैसे कि कहा जाता है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में शारीरिक रूप से कमजोर हैं। देखा जाए तो काफी हद तक फिजिकल या बायोलॉजिकल या साइंटिफिक रीजन से देखा जाए तो इसका कारण होता है, ठीक है। हालांकि पुरुष और महिलाएं शारीरिक रूप से अलग अलग मूलतः होती हैं। आपको कमजोर कहने के बजाय आपको यह कहना चाहिए कि महिला और पुरुष दोनों को अलग तरीके की जैविक स्थिति है, उनकी दोनों की अलग, यहां पर देखा जाए तो आपकी आवश्यकताएं हैं, उनकी स्थिति के आधार पर उनको ऐसा बनाया गया है। सभी महिलाएं पुरुषों की तुलना में शारीरिक रूप से यहां पर कमजोर हैं। एक व्यक्ति की ताकत यहां पर सिर्फ केवल लिंग पर यहां पर डिपेंड नहीं करती है, बल्कि उनके पेशे, अनुवांश की, पोषण, शारीरिक गतिविधि जैसे फैक्टर पर भी यहां पर आपको निर्भर होती है। इसी तरीके से महिलाओं के से अक्सर ऐसे व्यवहार, कपड़े पहनने, बोलने की अपेक्षा की जाती है कि महिलाओं की तथाकथित अंतर्निहित विशेषताओं संबंधित लिंग भूमिकाओं के अनुरूप यहां पर हों। भारतीय समाज में हमेशा महिलाओं को डिक्टेट किया जाता है कि आप ऐसा मत करिए, आप ये मत पहनिए, आप ऐसे मत बोलिए, आप ऐसा मत करिए, और इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो मूलतः दिखाया जाता है कि एक पुरुषवादी जो समाज है वो महिला पर यहाँ पर एक कह सकते हैं कि हर प्रकार की उनकी प्रक्रिया पर एक रोक लगाता है, एक नियम बनाता है, और उसके विरुद्ध या वो स्वयं क्या करना चाहते हैं इस व्यक्ति की परवाह यहाँ पर नहीं की जाती है। और जब वो उसका उल्टा करती हैं, यानी कि जब वो अपने मन का करती हैं, अपनी खुशी यहाँ पर करना चाहती हैं, तो उन्हें यहाँ पर अलग अलग रूढ़िवादी या कह सकते हैं गलत शब्दों का उनके लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि यहाँ पर सही नहीं है। इसी तरीके से देखा जाए, याद रखना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति में विशेषताओं का एक अनूठा यहाँ पर समूह होता है। दुनिया भर में महिलाएं लैंगिक न्याय आंदोलनों में इन रूढ़ियों से लगातार लड़ती रही हैं, और देखा जाए तो इनके बाहर भी अपने न्याय लगातार न सिर्फ घर में बल्कि बाहर भी उन्हें इस तरह की यहाँ पे लड़ाइयाँ लड़ती रहती हैं। कुछ और भी चीज़ें हैं जो यहाँ पर एक रूढ़िवादी सोच को दर्शाती हैं। जैसे कि हैंडबुक में ये भी कहा गया है कि आम रूढ़िवादिता पर चर्चा यहाँ पर की जानी चाहिए। जैसे कि महिलाएँ घर से बाहर काम करती तो उन्हें अपने बच्चों की परवाह नहीं होती है, ये अक्सर कहा जाता है। कहा जाता है कि जो महिलाएं अपने की अगर काम करने लगी तो अपने घर परिवार की यहाँ पर सगी नहीं होती हैं, वो अपने परिवार का ध्यान नहीं रखती हैं, वो बस अपना सोचती हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं। ये भी देखा जाए तो यहाँ पर एक गलत अवधारणा है, इसको भी यहाँ पर ठीक करना चाहिए, इसे भी यहाँ पर दूर करना होगा। ऐसा क्यों है? कहा देखिए होता क्या है कि घर से बाहर काम करने का किसी महिला के अपने बच्चों के प्रति प्यार या चिंता का यहाँ पर कोई संबंध नहीं होता, वो एक जिम्मेदारी भी तो होती है। वो जैसे एक तरीके से पुरुष यहाँ पर काम करता है, एक महिला को भी उतना ही अधिकार है कि वो क्या करना चाहती है अपनी लाइफ में, उसको भी उतना ही अधिकार। अगर वो जॉब करना चाहती हैं, अपने भविष्य के संदर्भ में कुछ करना चाहती हैं, तो वो वहां पर करने में सक्षम होती हैं। उनसे कहीं ये नहीं कम हो जाता है कि जैसे कि एक पुरुष यहां पर अगर काम करने जाता है तो इसका मतलब क्या ये हो गया कि पुरुष अपने बच्चों से प्यार नहीं करता है? करता है। तो फिर महिलाओं के संदर्भ में ऐसी बातें क्यों कही जाती हैं? सभी लिंग के माता पिता अपने बच्चों की देखभाल के साथ साथ घर के बाहर भी काम कर सकते हैं। इसी तरीके से एक और रूढ़िवादिता है, क्या है कि महिलाएं माँ भी होती हैं, वे कार्यालय में काम में सक्षम होती हैं, उनका ध्यान बच्चों को देखभाल करने से भटकता है। यहां पर देखा जाए तो ये गलत है। जिन महिलाओं पर दोहरी जिम्मेदारी होती है, घर से बाहर काम करना, बच्चों का पालन पोषण करना, वो कार्यस्थल में कम सक्षम यहाँ पर नहीं हो जाती हैं। तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ें होती हैं। कई बार अगर आप देखा जाए तो कार्यस्थल पर या कई जॉब कंपनीज को अगर देखा जाए तो एक हद तक यहाँ पर यह होता था पहले कि लोगों को, महिलाओं को तब तक जॉब ऑफर होती थी जब तक वहाँ पर प्रेग्नेंट नहीं होती थी, और जैसे ही प्रेग्नेंट होती थी तो उनको यहाँ पर जॉब से निकाल दिया जाता था। उन चीज़ों में परिवर्तन आया है, लेकिन कहीं ना कहीं अब भी इतनी रूढ़िवादिता ज़रूर है कि महिलाओं को कार्य देने करने के अवसरों में यहाँ पर अब भी एक पुरुष समाज जो है वो यहाँ पर न सिर्फ घरों में बल्कि यहाँ पे घर के बाहर भी कार्यस्थलों पर भी आपको एक रूढ़िवादी सोच का उनको सामना करना पड़ता है। इसके अलावा महिलाएं गृहिणी हैं, वे अवैतनिक घरेलू श्रम के रूप में काम करती हैं, जैसे कि खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, घरेलू प्रबंधन, हिसाब किताब, बुजुर्गों को देखभाल, बच्चों की देखभाल, उनका होमवर्क करना, पाठ्यतर गतिविधियों में मदद करना, और देखा जाए तो ये सारा काम यहाँ पे एक अवैतनिक श्रम के रूप में यहाँ पर वो करती रहती हैं, और इसकी यहाँ पर उन्हें कह सकते हैं कि जितने उनको क्रेडिट मिलना चाहिए कभी वहाँ पर वो क्रेडिट नहीं मिलता है। जबकि शहरों में देखें, इन्हीं कामकाज के लिए जब आप किसी को हायर करते हैं तो आप उनको पेमेंट करते हैं, लेकिन वही काम अगर आपके घर की महिला कर रहे हैं तो उसे आप वहाँ पर क्रेडिट भी नहीं देते हैं, पैसे की तो बात छोड़िए। तो यहाँ पर ये भी एक रूढ़िवादी सोच है कि जैसे कहा जाता है कि आप तो कुछ काम ही नहीं करती हैं, घर में हमेशा बैठी रहती हैं, लेकिन जितना काम वो घर में रह के करती हैं तो शायद ही पुरुष वहाँ पर घर के बाहर उतना करता होगा। इसके अलावा जो महिलाएं गृहिणी हैं वे घर में सामान अधिक सीमा तक योगदान करती हैं, योगदान के अवसर को नज़रअंदाज यहाँ पर नहीं करना चाहिए, न ही उनके काम को सीमित तौर पर देखा जाना चाहिए।
तो आज के इस टॉपिक में हमने यहाँ पर एक विशेष टॉपिक को पढ़ा है। आई होप वहाँ पर इस टॉपिक को आप पूरा देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर अपने सोच को, आने वाली पीढ़ी को और अपने आसपास की स्थितियों पर इस चीज़ पर गौर करेंगे, लोगों को जागरूक करें और नहीं कर सकते कम से कम अपने कह सकते हैं घर परिवार से चीज़ों की प्रारंभ जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में कुछ और ही ऐसी महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।